हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको सिमेंटिक इनपॉइंट प्रोटेक्शन मैनेजर में यूजर क्रिएट करने के लिए बताऊंगा और कैसे प्रिविलेज उसका सेट करते हैं उसके बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले आप लॉगिन करके आप एडमिन टैब में आ जाएंगे। एडमिन टैब में आते ही आपको एडमिनिस्ट्रेटर टैब में आना है और यहाँ पे आपको एडमिनिस्ट्रेटर का विंडो ओपन हो जाएगा। यहाँ पे ऐड एन एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट, एक नया अकाउंट क्रिएट करने के लिए एक विंडो ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप डिटेल इनपुट कर देंगे। यहाँ पे डिटेल इनपुट किया और यहाँ पे एक सिक्योरिटी फीचर है कि अगर कितने अनसक्सेसफुल लॉगिन पे अटेम्प्ट होता है तो लॉक हो जाए, तो 5 सेट कर सकते हैं, इसको बढ़ा भी सकते हैं। और उसकी इन्फॉर्मेशन एडमिनिस्ट्रेटर को भी चला जाए, तो ये ऑप्शन चेक मार्क कर सकते हैं। और आपको इस यूजर को क्या क्या एक्सेस राइट देना है, तो यहाँ पर 3 ऑप्शन है, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, एडमिनिस्ट्रेटर और लिमिटेड अकाउंट। तो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर ऐसा होता है कि जो आपको फुल राइट्स जितने भी डोमेन होते हैं वो पूरा कंप्लीट राइट्स के लिए होता है, तो आप सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर ऑप्शन चेक करते हैं। या आपको पर्टिकुलर सिंगल या पर्टिकुलर डोमेन पे प्रिविलेज देनी हो तो ये ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको साइट सेलेक्ट करना होता है कि यह यूजर किस साइट के लिए एक्सेस होगा। यहाँ पर सिर्फ अभी एक ही डोमेन है तो अभी सेलेक्ट करने का ऑप्शन नहीं आ रहा, लेकिन अगर एक से ज़्यादा आएगा तो यहाँ सेलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा। और तीसरा ऑप्शन है लिमिटेड एडमिनिस्ट्रेटर, हम इसमें कस्टम प्रिविलेज दे सकते हैं और पर्टिकुलर चीज़ जैसे रिपोर्ट्स देखने के लिए, मैनेज ग्रुप्स के लिए साइट राइट, मैनेज इंस्टॉलेशन पैकेज, मैनेज पॉलिसी, तो अलग अलग है। अब जैसे व्यू रिपोर्ट्स में भी आप अलग अलग कंप्यूटर आईपी क्या क्या, मैनेज ग्रुप्स, माय कंपनी, जितने भी ग्रुप्स हैं, या तो पर्टिकुलर ग्रुप को एक्सेस के लिए है या पर्टिकुलर सब ग्रुप के लिए है, तो यहाँ पे फुल एक्सेस, नो एक्सेस, रीड ओनली, इस तरह से आप प्रिविलेज सेट कर सकते हैं। और आप रिमोटली क्या क्या कमांड चला सकते हैं, जैसे स्कैन, पावर इरेजर, अपडेट कंटेंट, रिस्टार्ट क्लाइंट कंप्यूटर, इनेबल का, तो ये काफ़ी कमांड्स हैं, तो इसमें आप सेट कर सकते हैं कि क्या क्या आप कमांड की प्रिविलेज दे सकते हैं। रन कमांड ऑन रीड ओनली ग्रुप, अगर हमने रीड ओनली का प्रिविलेज अगर दिया है रीड ओनली का, तो उसमें क्या क्या कमांड आप चला सकते हैं। और तो इसमें ऐसा होता है कि अगर रीड ओनली है, अगर ये हमने ये ऑप्शन दे रखा है तो कमांड रन कर पाएंगे, अगर ये ऑप्शन हम नहीं चेक कर पाए किए हैं तो अगर रीड ओनली राइट्स अगर दिया हुआ है ग्रुप पे तो हम ये कमांड नहीं रन कर पाएंगे। साइट राइट है तो पर्टिकुलर साइट पे का ऑथराइजेशन दे सकते हैं, और तो इसके लिए साइट के लिए है। मैनेज इंस्टॉलेशन पैकेज में 2 ऑप्शन है, रीड ओनली एंड फुल एक्सेस, इस तरह है। और मैनेज पॉलिसी में जैसे वायरस स्पाइवेयर पॉलिसी, फायरवॉल, इंट्रूजन, पब्लिकेशन, लाइव अपडेट, एक्सेप्शन, हॉट इंटीग्रिटी, मैन, जितने तरह के भी यहाँ पे पॉलिसी है उसमें पर्टिकुलर आप सेलेक्ट कर सकते हैं क्या क्या प्रिविलेज आपको इस कस्टम एडमिनिस्ट्रेटर यूजर को दे सकते हैं।
डू नॉट अलाउ द एडिटिंग। तो इस तरह से आप काफ़ी मतलब कस्टम फुल राइट या फुल सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर की प्रिविलेज दे सकते हैं। तो अभी हम क्या है कि एक सिंपल यूजर एक एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं और अब इसके बाद देखते हैं ऑथेंटिकेशन मेथड। तो ऑथेंटिकेशन मेथड इसमें आप पासवर्ड सेट कर लेते हैं पासवर्ड विल एक्सपायर 60 डेज। तो यहाँ पे ओके कर देते हैं। एक नया यूजर अकाउंट क्रिएट हो गया sys.admin। अब इसे हम लॉगिन करके देखते हैं। नए यूजर अकाउंट से मैंने लॉगिन कर लिया। इसमें काफ़ी ऑप्शंस नहीं है साइट एडमिनिस्ट्रेटर लेवल का, जैसे कि काफ़ी सेटिंग यहाँ और भी आते हैं, ये तो नहीं आता। तो आप यहाँ पे यूजर अकाउंट भी क्रिएट कर सकते हैं। एक्सेस राइट आपका एडमिनिस्ट्रेटर राइट ही है, साइट एडमिनिस्ट्रेटर का प्रिविलेज नहीं है और लिमिटेड एडमिनिस्ट्रेटर का प्रिविलेज है। तो इसमें इस लेवल के भी आप यूजर अकाउंट इस अपने यूजर अकाउंट से इस sym.admin से क्रिएट कर सकते हैं। और आप यूजर नेम चेंज कर सकते हैं, पासवर्ड चेंज कर सकते हैं, एडिट एडमिनिस्ट्रेटर, आप अपनी प्रोफाइल इस का चेंज कर सकते हैं, राइट्स में हम आप कुछ भी नहीं चेंज कर सकते हैं, और पासवर्ड न्यू पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। तो इस अकाउंट से आप तो इस तरह आप एक नया यूजर क्रिएट कर सकते हैं और प्रिविलेज दे सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द IT सेशन लाइव।